मैं आपका गुंजन सर, आज क्लास टेंथ के लिए लाइट का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस मींस मिरर, ओके, प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन ए सेम मीडियम। जैसे एक बॉल को फेंके दीवार में, वो लौट के फिर मेरे पास चला आया। तो इस तरह से मीडियम एयर है, एयर में रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसी का मतलब हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो नाउ यू टेक ए प्लेन मिरर, आप एक प्लेन मिरर लीजिए। प्लेन मिरर मींस स्मूथ सरफेस, प्लेन मिरर मींस स्मूथ सरफेसेस। प्लेन मिरर का बैक साइड, वन साइड इज कोटेड विथ सिल्वर एंड ब्लैक पेंट और रेड पेंट। तो इसका अपर पार्ट रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे पार्ट को हम ब्लैक कोटेड कर देंगे और सिल्वर पेंट से कलर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया प्लेन मिरर। द रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इल्यूमिनेंस। डियर स्टूडेंट, इल्यूमिनेंस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑब्लिक इल्यूमिनेंस एंड अदर इज नॉर्मल इल्यूमिनेंस। मतलब रे ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस मींस इंसिडेंट रे मेक 90 डिग्री विद द सरफेस, दैट इल्यूमिनेंस इज कॉल्ड नॉर्मल इल्यूमिनेंस, ओके। तो दिस इज इंसिडेंट रे, रे इज इंसिडेंट ऑन पॉइंट ओ ऑन द प्लेन मिरर, ओके। नेक्स्ट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यू ड्रॉ ए नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, इट इज डिनोटेड बाय एन, एंड दिस इज ए। एओ इज इंसिडेंट रे ऑन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर named as M and M dash, M or M dash plane mirror है, इस पर एक ray incident हुआ, AO is incident and point O is known as point of incident, O को हम लोग क्या बोलते हैं, point of incident, और ये ray इसी medium में लौट गया, bouncing back of ray in the same medium is called reflection of light, okay. Next, this is OB. OB is reflected ray, OA is incident ray, incident ray, O is point of incidence, point of incidence, OB is reflected ray, and ON is normal to the plane, normal, okay. Dear student, incident ray make an angle with normal, this is called incident angle, angle of incidence. Incident ray ka normal ke saath jo angle banta hai, that angle is called incidence angle, incident angle or angle of incidence. To ye ho gaya aapka I is angle of incidence,
और इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ओके। नाउ सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो मेक एंगल विद द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल, इट इज डिनोटेड बाय आर। सो एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फिगर से आपको सारा क्लियर है। एम एम डैश ए प्लेन मिरर, एम एम डैश ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के पॉइंट ओ पे, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, उस पॉइंट पे एक रे इंसिडेंट हो रहा है, पड़ रहा है, दिस इज ऑब्लिक इल्यूमिनेंस, और वह रे उसी मीडियम में लौट जा रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो नाउ फर्स्ट यू नो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, there are two laws of reflection, laws of reflection, there are two important law of reflection. First, angle of incident is equal to angle of reflection, that is angle I is equal to angle R. तो पहला हो गया फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the first law of reflection, that is angle I is equal to angle R, okay. Next, angle of incidence, reflected ray and normal all coincide at a single point in a same plane. This is the second law of reflection. Okay? So, next law kya ho gaya? Angle incident ray, reflected ray, and normal all lie at a point in same plane. In a same plane. Okay. So second law of reflection क्या करता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट ए पॉइंट इन ए सेम प्लेन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो प्लेन मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम बता रहे हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन
मिरर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैम मिरर। सबसे पहले तो फ्लैम मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, वह इमेज कभी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा, इमेजिनरी इमेज बनाएगा। ओके, वर्चुअल इमेज। तो पहला प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का, इमेज कैसा होता है? वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसा हो गया? वर्चुअल। ओके, वर्चुअल इमेज। सेकेंड, इमेज ऑलवेज इरेक्ट। अगर हम प्लेन मिरर के पास खड़े हैं तो प्लेन मिरर में मेरा जैसा फिगर है वैसा ही फिगर बनेगा, माने हेड ऊपर है तो ऊपर बनेगा, लेग नीचे है तो नीचे बनेगा। दैट मींस इरेक्ट इमेज, नॉट इन्वर्टेड इमेज। मेरे सर को नीचे और पैर को ऊपर नहीं कर देगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जो इमेज बनेगा वह सेम साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट के बराबर। तो इमेज का जो साइज होगा, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, प्लेन मिरर का एक बहुत बड़ा खूबी है कि अगर प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के पास कोई ऑब्जेक्ट यहां है ओ पे, तो मिरर के सेंटर से ये डिस्टेंस यू कहलाता है, यू इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जहां पे मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मिरर के पास जितना दूर हम रहेंगे, इमेज भी मिरर के अंदर उतना ही दूर पे बनेगा। यानी यहां पे ओ है, इतना दूर पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज यहां बनेगा आई, और ये डिस्टेंस को हम लोग भी कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो प्लेन मिरर के केस में जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रहेगा उतना ही इमेज मिरर के अंदर दूर रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। अगर आप इना में से सटिएगा तो आपका मिरर भी उधर से सटेगा, अगर आप हटिएगा तो आपका मिरर भी दूर जाएगा, इमेज भी दूर जाएगा। जितना ज्यादा मिरर में आप सटिएगा इमेज भी उतना उधर से सटेगा, जितना मिरर से आप दूर जाइएगा इमेज भी मिरर में उतना ही दूर जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट, यू इज इक्वल टू वी, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ओके डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, इसमें लेटरल इन्वर्सन होता है। अगर आप मिरर में लेटरल इन्वर्सन, ये मेरा फ्रंट का व्यू हो गया या साइड का व्यू हो गया, लेटरल इन्वर्सन अगर राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में हमको लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, अगर लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट हैंड दिखाई देगा। इसका मतलब हो गया लेटरल इन्वर्सन, साइड चेंज होता है। तो पांचवा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्सन। ओके, दिस इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ओके, नेक्स्ट, हाउ यू डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देर आर टू काइंड्स ऑफ
रिफ्लेक्शन, वन इज रेगुलर एंड अदर इज इरेगुलर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्मूथ होगा तो उसका रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा, तो प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ है, जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होगा। जैसे ये रिफ्लेक्शन का दो टाइप हो गया, रेगुलर एंड इरेगुलर। रिफ्लेक्शन का दो टाइप, रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस के द्वारा होगा, स्मूथ सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ और इरेगुलर सरफेस के कारण होगा, रफ जिगजैग सरफेस के लिए होगा। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देखिए। दिस इज प्लेन मिरर, रे ऑफ इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ऑल इंसिडेंट रे एंड ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। This is called regular reflection. This is called regular reflection. Incident ray and reflected ray. This is incident ray and this is reflected ray. All incident ray, incident parallelly and reflected ray bouncing back parallelly. माने दोनों काम, दोनों रे पैरेलल है तो वह रेगुलर रिफ्लेक्शन है। यहां पर भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑब्वे कर रहा है। अगर यहां पे हम नॉर्मल खींच दिए तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, जब तक ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो यह रिफ्लेक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया सरफेस स्मूथ नहीं होगा, सरफेस जिग जैग होगा। ओके, तो ये जो हो गया आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा सरफेस अगर है तो रे इंसिडेंट हुआ, फिर ये रे भी इंसिडेंट हुआ, ये रे भी इंसिडेंट हुआ, ये रे गया, ये रे गया, ये रे गया। तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये रे हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कोई भी आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट I बराबर R इस केस में भी होगा। इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इट ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल I बराबर एंगल R, बट द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये तो हो गया डियर स्टूडेंट आपका रिफ्लेक्शन का टाइप। अब प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा? तो इमेज किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे निकलता है, बट यू कंसीडर अबाउट ओनली टू रेज। ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे निकला
लेकिन आपको दो रे पर कंसीडर करना है। ऑब्जेक्ट से जो वह दो रे चला आफ्टर रिफ्लेक्शन, वह जिस पॉइंट पे मिलेगा दैट मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट से मेन टू रे पे कंसीडर कीजिए, वह दो रे चला और आफ्टर रिफ्लेक्शन वह जहां पे भी जाके कंसाइड करेगा नेचुरली या इमेजिनरी। तो आपको पहले बताए थे कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, स्क्रीन पे नहीं आएगा, यानी दो रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर भी जाके नहीं मिलेगा, उसको इमेजिनरी मिलाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, तो बस लास्ट हम दो दो फिगर बना के आपको यहां पर समाप्त करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, 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 प्लेन मिरर। तो दो केस में बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, दिस इज प्लेन मिरर, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एट ओ, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल एम एम डैश प्लेन मिरर हो गया, ये रे इंसिडेंट हो रहा है ओ एक्स पे और एक्स वाई इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, एक रे यहां इंसिडेंट हुआ ओ बी पे ले लेते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे एक नॉर्मल खींचे, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, दिस इज एन डैश, दिस इज एन, ओके बी जेड। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रे इंसिडेंट हुआ, एक ओ एक्स और एक ओ बी, इंसिडेंट होने के बाद ये रे रिफ्लेक्ट हो गया, बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम एक्स वाई इन द रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे इंसिडेंट हुआ वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है आई और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है आर, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम काम सेम वर्क सेकेंड रे के लिए किए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब इसको हम इमेजिनरी, आगे तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलेगा, वो डाइवर्जिंग रे नेवर मीट एट ऑल, डाइवर्जिंग रे कहीं भी जा करके नहीं मिलता है, अब इसको हम लोग इमेजिनरी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये इमेजिनरी वर्चुअल इमेज इसी का नाम है, और यहाँ पे हमको इमेज मिला। डियर स्टूडेंट, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज है, यानी U इज इक्वल टू V, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लेन मिरर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लेन मिरर, ओके, दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, नाउ इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए फिर वही काम करना है, एक प्लेन मिरर लेना है हमको, कौन मिरर लेना है, प्लेन मिरर लेना है, प्लेन मिरर पे एक ऑब्जेक्ट रख के जिसका नाम दे दिए ए और बी, ये हेड और ये लेग,
तो हेड से भी दूर ही चलेगा, लेग से भी दूर ही चलेगा। तो ये हेड से जो रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर जाता है, वह जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में वह वापस आता है। बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो 90 डिग्री पर पड़ रहा है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसका क्या होगा, जीरो। इसीलिए वह उसी लाइन में रुक जाता है। तो फर्स्ट रे को हम नॉर्मली डालेंगे परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंट भी हुआ और रिफ्लेक्टेड विद सेम पाथ में हो गया, इसका नाम दे दिए ओ। सेकेंड रे को हम ऑब्लिक इल्यूमिनेंस कराएंगे और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, इसका नाम दे दिए बी या ए या सी। ओके, अब यहां पे एक नॉर्मल डाल दिए एन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो हेड से कितना रे चला, दो रे। हेड से कितना रे चला, दो रे। एक परपेंडिकुलर जो जिधर से इंसिडेंट हुआ उसी रास्ते में रिफ्लेक्ट हुआ, काहे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक रे ऑब्लिक गया जो रिफ्लेक्ट हो गया सी डी डायरेक्शन में, सी पॉइंट से एक नॉर्मल खींच दिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लेग से भी दो फोटो दो रे जाएगा, लेग से भी वन रे इंसिडेंट हुआ परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिए एक्स, और ये रे सेम पाथ में लौट गया। सेकेंड रे ऑब्लिक गया और ये इस तरह से लौट गया। अब यहां पे हम नाम दे दिए वाई, मिरर हो गया एम एम डैश, ठीक है। अब यहां ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, अब यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ कीजिए एम डैश। इंसिडेंट एंगल का जो नॉर्मल के साथ एंगल, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल वाला हुआ, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, ये रे को अगर कहीं बढ़ाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये रे को बढ़ाएंगे नहीं तो इसको हमको इमेजिनरी बनाना होगा पीछे की तरफ, यहां मिला दिस इज हेड और एक रे इसको बढ़ाएंगे, एक रे इसको बढ़ाएंगे, यहां मिला दिस इज स्केल, दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश। यहां भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बराबर इमेज डिस्टेंस बी, दिस इज। नाउ वी विल एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर इन नेक्स्ट वीडियो।